हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग मेथड पार्ट्स है, जिसकी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत डिमांड की थी, उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आई होप ये आपको एग्ज़ाम में, आई होप आई एम श्योर एग्ज़ाम में आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। पहला मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में जिसमें हमें लेक्चर देते हैं, एक ये एक या तो फॉर्मल हो सकता है या औपचारिक या सेमी फॉर्मल अनौपचारिक हो सकता है, जिसमें कि जो टीचर होता है वो कुछ इवेंट्स या कुछ तथ्य बताता है, कुछ सिद्धांत बताता है, कोई प्रॉब्लम बताता है या कुछ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। इसके इसमें होता क्या है कि सर, हम स्टूडेंट्स को जब हमने कोई गाइडेंस देनी हो ना, जैसे हमने एक साथ 100 स्टूडेंट्स को कुछ बताना है, तो हम लेक्चर मेथड से बता देंगे। हम कोई सब्जेक्ट उसको बता सकते हैं, हम उसे हमने डायरेक्शन देनी है। अब अलग अलग तो दी नहीं जा सकती भाई, एक साथ ही सारी दे देते हैं। अगर जैसे कोई बेसिक मटेरियल देना है कि हाँ जी सर, ये जो चीज़ है ये तो आपको करनी करनी है, वो बेसिक मटेरियल हम लेक्चर मेथड में दे सकते हैं। हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, हमने कोई एग्जाम कोई हमने कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, डिस्कशन करनी है, कोई कोई परफॉर्मेंस दिखानी है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करेंगे आप? लेक्चर मेथड से करेंगे। कोई रूल बताना है, कोई प्रिंसिपल बताना है, कोई कॉन्सेप्ट बताना है, उसका यूज बताना है, कैसे बताओगे आप लेक्चर मेथड से बताओगे। किसी चीज़ को आपने रिव्यू करना है या उसको क्लैरिफाई करना है या आपने उसको इम्फेसाइज या समराइज करना है, कैसे बताओगे आप? लेक्चर मेथड से बताओगे। अब इसके आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि सर एडवांटेज क्या है इसका? पहला एडवांटेज है टाइम बच जाता है। एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के बताने से बढ़िया है भाई सीधा ही बता दो, सारी क्लास में एक साथ बोल दो, टाइम बच गया। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बच जाती है। पहले सबको इकट्ठे बोल दे, कोई ने बोला सर समझ नहीं आया, मैडम समझ नहीं आया, उसको अलग से पकड़ के बुला दो। इसमें क्या है, रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ठीक है सर एक साथ क्लास इकट्ठी की, जो जहाँ पे है माइक में बोल दो कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर लो, आपका स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अडेप्टेबिलिटी है, वर्सेटाइलिटी है, वर्सेटाइल हो सकते हो आप। जैसे आपको टाइम मिला आपने वर्क एकदम, जैसे आपने हैंड टू हैंड बोल दिया कि सर ये कर दो। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट और सिक्वेंस के ऊपर क्या है, हम बेटर हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे पहली डिसएडवांटेज है, ये वन वे कम्युनिकेशन देता है। वन वे कम्युनिकेशन का सेंस ये है कि वो टीचर ही टीचर बोलता है, स्टूडेंट तो सुनता ही सुनता है। जब हम टीचिंग स्किल की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इसके अंदर। और स्टूडेंट क्या है, इसी कारण स्टूडेंट पैसिव हो जाता है कि टीचर आया, टीचर ने बोला, बात खत्म भाई। स्टूडेंट ने तो क्या नोट्स ही चेपने, वो चेप देता है, अगले के बल्ले बड़े ना बड़े, कुछ नहीं होता। स्टूडेंट का रिएक्शन जो होता है ना, उसको हम बड़ी मुश्किल से जज करवाते हैं। अब सामने है टीचर लेक्चर दे रहा है, तो सारे स्टूडेंट यस सर समझ में आ गया सर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ भाई समझ में आ गया, नहीं आया तो नीचे आप कमेंट में डालो, आप डालते तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, 45 मिनट का लेक्चर देने के लिए टीचर बड़ा ही क्वालिफाई चाहिए, हर एक बंदा 45 मिनट का लेक्चर नहीं दे सकता। सो ये सर इसके एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज हैं। अब इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा कि सर एडवांटेज ये है कि टाइम बच जाता है। एडवांटेज तो है कि टाइम बच जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन वन वे ही होता है। फ्लेक्सीबल जरूर है, लेकिन स्किल टीचिंग टीचिंग स्किल में बड़ी प्रॉब्लम ले आ देता है। ठीक है सर, स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन स्टूडेंट भी पैसिव हो जाता है, वो बैठ जाता है आराम से। अडेप्टेबिलिटी टीचर की है, पर स्टूडेंट का पता नहीं चलता, स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया। वर्सेटाइल जरूर है, लेकिन वर्सेटाइल होने के लिए ना आपको हाई स्किल इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त चाहिए होती है। नेक्स्ट मेरा है डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श मेथड, जिसके अंदर क्या हमने ग्रुप डिस्कशन टेक्निक को यूज करते हैं। सब बातों में ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी का टॉपिक जो होता है ना एमबीए में करवाते हैं, वहां भी बस वो राम ही काट देते हैं कि ले जाओ भैया। इसमें क्या है, ये सब जो है ना, ये टेक्निकल मेथड है, सबसे ज्यादा कामयाब लेक्चर मेथड ही होता है।
टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। अब एक कोई प्रॉब्लम भाई आपको उसके सामने सबको बोल दे भाई अपना अपना सॉल्यूशन दो, सब जने अपना अपना सॉल्यूशन दे देते हैं। इंडियन में तो भाई इतना टाइम नहीं मिलता, 50 बच्चों की क्लास होती है, कौन सा इमेजिनेटिव सॉल्यूशन दिया जाता है। इसमें हमें क्या है, हमें थिंकिंग को स्टिमुलेट किया जाता है, हमारी थिंकिंग जागृत, स्टिमुलेट होता है जागृत करना, उकसाना, उकसाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। जीडी के अंदर क्या होता है, हम 5-7 का ग्रुप बना देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, हर एक बंदे को जबरदस्ती बोलना पड़ता है। हमें इसमें मेन टीचिंग पॉइंट्स पे जोर दिया जाता है, ये लेक्चर का सप्लीमेंट होता है। कोई भी चीज है ना उसका सप्लीमेंट है जीडी भी। 10 जनों को पहले हमने एक लेक्चर दे दिया, फिर 10 ग्रुप बना के पूछ लिया भाई समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। इससे हमें यह डिटरमाइंड हो जाता है कि स्टूडेंट कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितने अच्छे से उसको प्रिंसिपल समझ में, सिद्धांत कितने बढ़िया समझ में आ गए हैं। कैसे डिस्कशन होता है, डिस्कशन से होता है। और फिर अगर हमने स्टूडेंट को कोई थ्योरी बतानी है और उस थ्योरी का बताई है हमने लेक्चर में, तो थ्योरी बता दी, उसका एप्लीकेशन या प्रोसीजर क्या है वो उसके लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भैया वो डिस्कशन मेथड से प्रिपेयर होगा। या लास्ट में हमने कोई पॉइंट्स को समराइज करना है, कोई क्लैरिफाई करना है, कुछ रिव्यू वगैरह देना है, तो वो डिस्कशन मेथड में, क्योंकि इसमें क्या ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर हम बता देते हैं। एडवांटेज ये है कि साहब स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत बढ़िया बढ़ जाता है और स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है, कि स्टूडेंट को लगता है यार मैंने ये सोल्यूशन दिया। क्योंकि मान लीजिए 2-3 प्रॉब्लम है, हर एक बंदा कोई ना कोई सोल्यूशन तो देता ही है, स्टूडेंट की नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी हम यूज कर लेते हैं। एक चीज जो इसकी बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त पार्टिसिपेट करता है, तो जो लर्निंग है ना वो परमानेंट होती है। ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। पर वही बात, इसके लिए हाई स्किल इंस्ट्रक्टर चाहिए, सब जने ग्रुप डिस्कशन नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या था, टीचर में एक बायास होता है, एक जिसे हम कहते हैं ना कि उसको कुछ स्टूडेंट फेवरेट हो जाते हैं, फेवरेटिज्म चालू हो जाता है, नियोपेटलिज्म चालू हो जाता है। फिर स्टूडेंट को प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है, इसमें कंटेंट की लिमिट होती है और टाइम बहुत लग जाता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइज बहुत छोटा था ग्रुप का, 100 की क्लास है, 5-7 का ग्रुप बनाया टीचर ने, 10 का ग्रुप बनाया, तो 10 ग्रुप में तो टीचर के तो 10 बार चक्कर लग गए ना, इसलिए टीचर हाथ नहीं लगाता इसको। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, ये एक टाइप का सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन खुद की इंस्ट्रक्शन, इसे हम क्या है, इसमें हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देते हैं। रेमेडियल शब्द बड़ा अजीब सा है साहब, पहले बच्चा फेल कर दो, वो फेल हो गया, उसके बाद उसको वापस तैयारी करवानी, उसको हमने नाम दे दिया रेमेडियल। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा लेट अराइव आया है, एबसेंटी था, कई दिन बीमार हो गया जी, नानी के चल गया जी, महीना दो महीना गायब हो गया, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चे ने जो चीज पहले सीख ली होती है लेकिन उसको अच्छी तरह से आती नहीं है, उसके बारे में हम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ इक्विपमेंट, कुछ प्रोसीजर यूज करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन अपग्रेड हो जाता है। इससे जो कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं, अब स्टूडेंट तो बहुत कैपेबल था लेकिन क्लास ही लेट ज्वाइन की। अब साहब यूट्यूब तो है नहीं कि आपने लेट ज्वाइन किया और आपने सारे वीडियो दोबारा से देख लिए, यहाँ तो क्लास है, साइक्लिक चल रही है, पीछे रहेगा तो भैया वो बाद में रेमेडियल में कंप्लीट कर पाएगा। कॉमन बैकग्राउंड जो होती है स्टूडेंट्स को सबको मिल जाती है, इसमें क्या है कि हमें पता चल जाता है कि उसकी नॉलेज और स्किल कैसी है। एडवांटेज साहब इसकी क्या है कि जिनको जो फेल हो जाते हैं उनको रेमेडियल मिलती है, तो जिनको रेमेडियल मिल जाती है वो पास हो जाते हैं, तो फेलियर रेट गिर जाता है। एंड ऑफ द कोर्स प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है सबको, गुरुजी जो कमजोर भी देखो, जो इंटेलिजेंट है वो तो पास हो गए, जो कमजोर है उनको गुरुजी गोल गोल के पिला देते हैं। सेव टाइम, टाइम बच जाता है और सेल्फ इंस्ट्रक्शन का टाइम मिल जाता है। इसके लिए वही लोकल या कमर्शियल प्रिपरेशन चाहिए होती है, लेंथी प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है जी, एक्स्ट्रा क्लास से गुरुजी को पैसे देने पड़ते हैं। और फिर क्या है कि कंसीडरेबल लीड टाइम चाहिए, सब जने जल्दी से नहीं करवा सकते, वही बात एक्सपर्ट टीचर चाहिए। स्टडी असाइनमेंट मेथड, इसके अंदर क्या है, टीचर उनको कोई असाइनमेंट दे देता है कि आप ये बुक पढ़ो, पीरियोडिकल पढ़ो, रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ो, जिससे कि स्टूडेंट क्या होता है एक टॉपिक के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको क्या कर देते हैं, इसमें एक लेक्चर देना आसान हो जाता है क्योंकि हमने आपको पहले पढ़ा दिया था। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस वगैरह क्या, आप जैसे देखा लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट है टफ असाइनमेंट दे दो, कम इंटेलिजेंट है आराम का असाइनमेंट दे दो। फिर इसके बाद मटेरियल अच्छा से मिल जाता है। एडवांटेज ये है कि कवरेज बहुत बढ़ जाती है,
क्लासरूम का टाइम कम हो जाता है, बच्चा अपने भी पढ़ लेता है, इंडिविजुअल अटेंशन बढ़ जाती है, बच्चे को जो मिला बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन केयरफुल प्लानिंग चाहिए। फिर इवैल्यूएशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, चेक कैसे करेंगे, और नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं। थैंक यू वेरी मच।